friends, and today's topic is trigonometric functions of multiple angles. अब यहाँ पर मल्टीपल और सब मल्टीपल इस तरह के दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमको लर्न करना है. अब मल्टीपल्स मीन्स क्या, तो इंटीगर मल्टीपल अगर रहा थीटा का तो उसको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स. एग्जाम्पल 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, these are the integral multiples of theta. So these angles are called multiple angles. क्या कहेंगे हम, मल्टीपल एंगल्स इसको कहेंगे. और दूसरा है सब मल्टीपल. तो इस तरह के अगर रहे थीटा बाय 2, थीटा बाय 3, थीटा बाय 4, तो इस तरह के अगर रहे तो इनको हम कहेंगे सब मल्टीपल एंगल्स. ठीक है, तो इस तरह के दो एंगल्स आज हमको लर्न करना है. तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, मींस डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, यहां तक हमको लर्न करना है. तो सबसे पहले हम लेंगे डबल एंगल. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डबल एंगल, तो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फार्मूला रहेगा इसका साइन 2 थीटा के लिए, साइन 2 थीटा. सेकंड फार्मूला है कॉस 2 थीटा. तो साइन 2 थीटा का एक ही फार्मूला हमारे पास है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं हमारे पास, उसमें से सबसे पहला फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है 2 cos square theta minus 1, और थर्ड फार्मूला है 1 minus 2 sin square theta. इस तरह से cos theta के 3 फार्मूले हैं. नेक्स्ट है tan theta का फार्मूला, tan 2 theta equals to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. तो यहाँ पर ये दो फार्मूले हमको कंफ्यूज कर सकते हैं. साइन 2 थीटा का ही फार्मूला टैन के फॉर्म में कैसा रहेगा, देखो फोर्थ फार्मूला साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square theta. तो ये दो फार्मूले हमको थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं. देखो यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस प्लस और माइनस का है, तो टैन के फार्मूला में माइनस आएगा और साइन के फार्मूला में प्लस आएगा. इसी तरह से फिफ्थ फार्मूला, फिफ्थ फार्मूला कॉस के लिए, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 minus tan square theta अपॉन 1 plus tan square theta. तो ये फार्मूला जो है टैन के फॉर्म में, ठीक है ना. तो यहाँ पर हमने ये पहला प्रूफ ले लिया, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू कॉस थीटा लिया, हमको प्रूफ करना है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम साइन थीटा को स्प्लिट करेंगे थीटा प्लस थीटा के फॉर्म में. साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, ठीक है. अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला हम यूज करेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन. तो यहाँ पर हो गए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन, ठीक है. नेक्स्ट आप साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, इसको हम साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है. इसको हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना. इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 2 sin theta cos theta, ठीक है. तो इस तरह से पहला पार्ट हमने प्रूव कर लिया, इसको साइन 2
2 theta equals to sine theta cos theta. Next part हमको पूर्ण करना है sine 2 theta equals to 2 tan theta upon 1 plus tan theta. क्या करें तो denominator में हम 1 consider कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 1 हम consider करेंगे. sine 2 theta equals to 2 sine theta cos theta divided by 1. अब इस वन के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे sin² theta + cos² theta का. जब sin theta = sin 2 sin theta into cos theta divided by cos² theta + sin² theta, ठीक है ना? इसका समझिए फार्मूला ले. अब प्रूफ का रिजल्ट देखकर हमको यहां पर प्रूफ करना है. यहां पर 1 है तो ये 1 हमको कब मिलेगा? जब cos स्क्वायर को हम cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बराबर हमको यहां पर 1 मिलेगा. यहां पर ये 1 लेने के लिए हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके चलना है cos स्क्वायर थीटा से, ठीक है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा. जब sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर से डिवाइड करते तो 1 आ गया, प्लस sin स्क्वायर को cos स्क्वायर से डिवाइड करते तो tan आ गया, tan स्क्वायर थीटा को मिल गया. अब यहां पर हम एक टर्म कैंसिल कर सकते हैं. देखो sin 2 थीटा इक्वल्स टू एक cos को हम कैंसिल करेंगे cos के साथ, तो हमारे पास बचा यहां पर 2 sin अपॉन cos म्हणजे 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा. इस तरह से sin थीटा के लिए पूछ जा के हमने दो फार्मूले प्रूफ कर दिए. नेक्स्ट यहां पर ये चार फार्मूले हमने एक साथ प्रूफ करने के लिए ले लिए. अब जरूरी नहीं है कि आपको ये चारों फार्मूले एक साथ प्रूफ करने के लिए पूछे जाएंगे, तो इनमें से कोई भी एक फार्मूला आपको प्रूफ करने के लिए पूछ सकते हैं. तो जो क्वेश्चन हमको पूछा गया है उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है. तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम cos 2 थीटा. तो इस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा, ठीक है ना? तो इसको हमने लिए cos ऑफ थीटा प्लस थीटा. अब इसको हम फार्मूला यूज करेंगे cos ऑफ a प्लस b का. cos a cos b माइनस sin a sin b. तो ये हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा. फार्मूला इसके पहले हमने एडिशन सबट्रैक्शन फार्मूले यहां पर हमने इसको अप्लाई कर दिया. तो यहां पर cos थीटा इनटू cos थीटा ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. इस तरह से हमने पहला प्रूफ कर दिया. नेक्स्ट चाहिए हमको 2 cos स्क्वायर थीटा, म्हणजे फार्मूले में सिर्फ cos स्क्वायर रह जाना चाहिए, तो sin स्क्वायर को हमको हटाना है. तो इस cos स्क्वायर को हम हैंडल करने के लिए sin स्क्वायर को हटाने के लिए फार्मूला लिख लिया हम 1 minus cos स्क्वायर थीटा. तो इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वन प्लस cos स्क्वायर थीटा. अब cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हम जो हो गई ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो इस तरह से हमने cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये सेकंड फार्मूला ला लिया. अब थर्ड फार्मूला यदि हमको अप्लाई करना है तो थर्ड फार्मूले के क्या ना cos 2 थीटा इक्वल्स टू ये स्टेप हमने लिए थे, इस स्टेप से हमको आगे कंटिन्यू करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ठीक है ना? cos स्क्वायर थीटा माइनस हम लोग sin में फार्मूला चाहिए, तो यहां से cos हमको हटाना है. इसको हटाने के लिए 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हम फार्मूला को कर देंगे माइनस sin स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल्स टू. अब इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे 1 माइनस, ठीक है, इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है ना? माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा
था तो इस तरह से आंसर आ गया माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला बना हमारा कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट फार्मूला चाहिए हमको कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये कॉस टू थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल्स टू फार्मूला है हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड इक्वल्स टू, इसका डिनोमिनेटर को वन पर सेट कर सकते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब आंसर में चाहिए हमको वन, ये वन कहां से मिलेगा हमको, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर कॉस टू थीटा इक्वल्स टू डिवाइड कर दिए कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से वन मिल गया, माइनस साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे टैन मिलेगा, टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से हमने कॉस टू थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा टू थीटा के लिए डबल एंगल सभी फार्मूले हमने यहाँ पर कर दिए। फर्स्ट ट्रिपल एंगल फार्मूले इज साइन थ्री थीटा इक्वल्स टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन टू थीटा। सेकेंड फार्मूला इज कॉस थ्री थीटा इक्वल्स टू फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। और थर्ड ट्रिपल एंगल फार्मूला है टेन थ्री थीटा इक्वल्स टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये तीन फार्मूले हमको अब वन बाय वन प्रूव करना है। तो सबसे पहला फार्मूला हम प्रूव करेंगे एलएचएस इक्वल्स टू साइन थ्री थीटा या फिर साइन थ्री थीटा इक्वल्स टू साइन थ्री थीटा इक्वल्स टू थ्री थीटा को हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस टू थीटा प्लस थ्री थीटा, तो इसको हम लिखेंगे साइन टू थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू साइन टू थीटा का फार्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस। अब राइट हैंड साइड में जो हमारा रिजल्ट है उसमें सारी टर्म्स हमको साइन की चाहिए, कॉस की टर्म हमको नहीं चाहिए। यहाँ पर भी कॉस टू थीटा का वो फार्मूला हमको यूज करना है जिस फार्मूला में साइन रहेगा, वो फार्मूला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर ए कॉस स्क्वायर का टर्म हमको दिख रहा है उसको हमको हटाना है, उसको हटाने के लिए फार्मूला यूज करेंगे हम टू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर के फार्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, ठीक है ना। अब टू साइन थीटा से जब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा टू साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, तो इस तरह से आंसर आ गया हमारा टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा थ्री साइन थीटा माइनस माइनस टू माइनस टू माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, इस तरह से हमने थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा ये प्रूव कर दिया, ठीक है ना।
नेक्स्ट पॉजिटिव थीटा का आपको शो करना है tan 3 थीटा का हमको शो करना है tan 3 थीटा प्रूफ tan 3 थीटा इक्वल्स टू इसको हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू फार्मूला फिर से tan ऑफ a प्लस b का हम यूज करेंगे tan a प्लस b tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan यहां पर ये लिखेंगे tan 2 थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2 थीटा इनटू tan थीटा इक्वल्स एंड जरा का फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे tan थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा upon 1 plus sorry 1 minus tan square theta plus tan theta as it is divided by 1 minus tan 2 theta ke formula ka samjhte hain 2 tan theta upon 1 minus tan square theta into tan theta theek hai na next equals 2 tan theta minus अब क्या करेंगे हम इसको cross multiplication करेंगे 2 tan theta से cross multiply करेंगे tan theta minus tan cube theta divided by इधर कितना है इसका 1 minus tan square theta okay next इसका whole denominator इसको भी हम multiply करना है 1 minus tan square theta से वर्ग अगर multiply करें तो 1 minus tan square theta minus 2 tan square theta divided by 1 minus tan square theta equals to 2 tan theta plus tan theta you get 3 tan theta minus tan cube theta divided by ये पूरा डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से हम कैंसिल करेंगे यहां पर बच गया 1 minus tan square theta minus 2 tan square theta 1 minus 3 tan square theta 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta ये फार्मूला बन गया हमारा tan 3 theta के लिए इसी तरह से ये सभी फार्मूले हमने ट्रिपल एंगल के लिए लिए सब मल्टीपल एंगल के लिए भी फार्मूले है वो फार्मूले आपको लिख लेना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ऑफ सब मल्टीपल तो पहला फार्मूला है साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू कॉस थीटा बाय 2 सेकंड फार्मूला है कॉस थीटा के फिर से उसी तरह से तीन फार्मूले जो हमने लिखे थे उसी तरह से फार्मूला बनेगा पहला बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 सेकंड फार्मूला बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और थर्ड फार्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 थर्ड फार्मूला बनेगा हमारा प्रॉब्लम्स सॉल्व करते समय यूज करना है तो
आपको ये सभी फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.